की गवाही है, इनकी बेटी के ननद के लड़के के मुंह से जाग निकलती थी, वह बोल नहीं पाता था, वह बच्चा जन्म से ही ऐसा था और अब वो 5 साल का हो गया है। काफी जगहों पर इलाज करवाया पर कोई आराम नहीं आया, बच्चा वैसे का वैसा ही रहा। फिर इन्होंने इस संडे को बिशप जी से उसके लिए प्रार्थना करवाई थी और प्रार्थना के बाद वो बच्चा बोलने लगा है, वह जो मुंह से जाग निकलती थी वो बंद हो गई है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। मेरी बेटी के ससुराल में उसकी ननद के बेटे को 5 साल हो गए, वह ना तो मुंह से बोल पाता था और उसके मुंह से पानी गिरता था। उसकी ननद ने उसको कहा, उसने मेरी बेटी को कहा कि अपने पापा को बोलो कि चर्च में प्रार्थना करवाए। मैंने विश्व जी से पिछले संडे को ही प्रार्थना करवाई थी और वह बच्चा बोलने लग गया है और पानी भी नहीं गिरता है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ पे लिखा है कि वो बच्चा जो जन्म से ही नहीं बोलता था और उसके मुंह से जाग निकलती थी, पानी गिरता था, लेकिन उन्होंने बहुत सी जगहों पे लेके गए, इलाज करवाया, लेकिन उनको इलाज में से कोई आराम नहीं आया। लेकिन उन्होंने आपको कहा कि आप परमेश्वर के भवन में जाते हो, चमत्कार चर्च में, और आप उसके लिए प्रार्थना करवाना, और आपने विश्वास के साथ बिशप जी से, परमेश्वर के अभिषेकित दास से प्रार्थना करवाई और उसके बाद वो लड़का बोलने लग गया। हाँ जी, वो बिल्कुल बोलता है। आपने उसको बुला के देखा था? मैंने वीडियो कॉल पे देखा उसको बुला के। बोल रहा था और पहले नहीं बोलता था, और जो उसके मुंह से पानी गिरता था वो भी नहीं गिरता, अब नहीं गिरता है। हालेलुया हालेलुया। सब जन खड़े हो जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करेंगे इस गवाही के लिए। देखो, वो बच्चा 5 सालों का हो चुका था, लेकिन उन्होंने इलाज करवाया, लेकिन उस इलाज से कोई आराम नहीं आया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने दास के द्वारा ऐसा चमत्कार किया कि वो बच्चा बोलने लग गया। वो 5 सालों से वो हो चुका था लेकिन वो बिल्कुल नहीं बोलता था, लेकिन इन्होंने परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई, वो बच्चा बोलने लग गया है और जो उसके मुंह से पानी गिरता था वो भी बंद हो गया है। हालेलुया। ये बहुत बड़ी टेस्ट मनी है, बहुत बड़ी टेस्ट मनी है, ये बिग टेस्ट मनी है, सुपर और पावरफुल है। हालेलुया हालेलुया। और इनकी दूसरी गवाही है, इनके छोटे भाई की हालत इस वीरवार को बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उनका बीपी बहुत ज्यादा कम हो गया था, वह धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। डॉक्टर ने कहा कि घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। फिर इन्होंने प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई, उसके बाद 1 घंटे में वह बिल्कुल ठीक हो गए, नॉर्मल हो गए और अगले दिन छुट्टी भी मिल गई। वह अब वो काम पर भी जाने लगे हैं। हालेलुया हालेलुया। मेरी दूसरी गवाही है, पिछले वीरवार को मेरे भाई की रात को 1 बजे तबीयत खराब हो गई और उसे लालगढ़िया हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया गया और डॉक्टर ने कहा कि 1 घंटे में कुछ भी हो सकता है। उसकी धड़कन तेज हो गई थी, बीपी बिल्कुल डाउन हो चुका था। डॉक्टर ने कहा 1 घंटे के अंदर कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई और प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य किया और वह बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो गया। 1 घंटे के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। डॉक्टर कह रहा है ये तो चमत्कार हो गया एक तरह का, और परमेश्वर ने उसे आशीष दी। सुबह दूसरे दिन खुद डॉक्टर ने मेरे को कहा तेरे भाई को घर पे ले जा, ये ठीक है, और अब वो अपनी दुकान पर है इस वक्त। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इन गवाहियों के लिए। हालेलुया हालेलुया। सोमा खालसा नगर से बिशप जिनकी गवाही है, इनके एक टांग में एड़ी से लेकर गोड़ों तक पिछले 7 महीनों से दर्द होता था। इनको ऐसा लगता था जैसे नाड़ फट गई हो और उसके बहुत ज्यादा दर्द होता था, जिसकी वजह से ये घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे। फिर ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि टांग सूख सकती है और इन्हें बताया कि आपको जो डिस्क हिली हुई है उसका दर्द टांग में आ गया है। फिर इन्होंने फोन पर बिशप जी से प्रार्थना करवाई, उसके बाद इनकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई है, वह बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु
का धन्यवाद करती हाँ मैं, पास्टर जी का भी शुक्रिया करती हाँ मैं। मेरे सर्दी का बहुत ज़्यादा दर्द हुंदा सी, मैनू अपने सिलेंडर भी थले गए चुल्हा रख के दिंदे सी कि खाना इत्थे बना लूगी, तो मेरे तो बाहर भी नहीं निकलिया जाता सी, गेट तो निकलना बंद करता सी, बड़ी परेशानी हो गई मैनू बहुत चिर दी। मैं डॉक्टर को गई, डॉक्टर कहते थोड़ा पैर सुकन लग जाएगा ये केयर करो तुसी। मैं क्या भी मैं मन च क्या भी प्रभु कुछ नहीं होन दिंदा। मैं घर आ गई, दवाई दिती, दवाई मैं लई नहीं गई, वो दर्द नहीं रोक रहा सी। फिर मैं कई दिन इंतजार करिया, फिर मैं पास्टर जी को फोन मिलाया, मैं मैसेज करिया, मैसेज ते मैं प्रार्थना कराई, तो दूसरे दिनों मैनू पता ही नहीं लग्या, दर्द दुर्द गायब हो गया। प्रभु का धन्यवाद करती हाँ। मेरे लत्त दे विच इन्नी सारी वो गंढ सीगी, वो सहन नहीं हुंदी सी, इस तरह लग रहा सी वो कोई नाड़ है तो मैनू पासे साइड तो निकल रही है मेरी लत्त चों, इन्ना चूड़े तो लैके इन्ना दर्द सी। मैं ठीक हाँ, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ, हालेलुया। तो इनकी दूसरी गवाही है, इनके बेटे को टीवी थी, वह पीलिया था लगभग एक साल से और उसकी लगातार दवाइयां चल रही थी। ये बहन जब भी चमत्कार चर्च में आते थे तो बिशप जी से अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाते थे और अब इनका बेटा ठीक हो गया है, उसकी दवाइयां भी बंद हो गई हैं, वह उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई है, हालेलुया। मेरे बेटे नूं पिछली गर्मी च 2 महीने के अंदर अंदर सानू समझ नहीं लगी, पीलिया हो गया, बिचे उन्हें टीवी हो गई, बहुत ज़्यादा परेशानी सानू आई, बहुत ज़्यादा साड़ी भज्जा दौड़ रही। पास्टर जी हमेशा रात दिन बेटे वास्ते प्रार्थना कर रहे सी, मैं जमा हौसला छड़ चुकी सी, पर मैनू प्रभु चला रहा सी, मैनू पता ही नहीं लग रहा सी मैं बेटे नूं किधर लैके जा रही, किधर पता ही नहीं लग रहा सी मैनू, जिवें प्रभु चला रहा अंदरों, तो मैं जमा मुश्किल ही सी मेरा चलना फिरना, इन्ना मैं रोन लग गई। लास्ट दिन मेरे को 300 रुपया सीगा मेरे को, मैं रो रो के रात कट ली, मेरे बेटे नू गोदी च लैके बैठी रही, मैं कहा हुण मैं की करा, मैं किधर जावा, हॉस्पिटल चों भी कोई पता नहीं है, संभाल नहीं हो रही। फिर प्रभु ने ऐसा किसी नू भेजा से वो दस दे जीवन दे विच काम करन वास्ते कि वो दा नाम नहीं लेना चाहती मैं। मेरे पति उधर काम करते, उन्होंने फोन करिया डॉक्टर हॉस्पिटल दे विच, उन्होंने मेरे बेटे नू उत्थे उस टाइम मेरे बेटे नू भर्ती करिया, मेरे बेटे नू संभाल करी, मेरे बेटा मेरे गले नू पै जांदे, मेरे बेटा बहुत ज्यादा लत्ता बावा मारदा सी, इन्ना परेशान मेरा बेटा। आपने यहाँ पे लिखा कि पिछले काफी समय से आपका बेटा बीमार था, उसको पीलिया था और उसको टीबी की बीमारी थी, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में लगातार आते रहे और बिशप जी के परमेश्वर के अभिषेक की दास से आप अपने बेटे के लिए प्रार्थना करवाते रहे और अब आपने वो रिपोर्टें करवाई हैं, अब वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। जमा कोश नहीं है मेरा बेटा, बहुत प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। इनके बेटे को पीलिया हो गया था एक साल से और टीबी का रोग था, ये परमेश्वर के हजूरी में आते रहे और परमेश्वर के दास से लगातार प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर के अनुग्रह से वो अब इन्होंने रिपोर्टें करवाई हैं, वो सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं, हालेलुया हालेलुया। कोमल हरियाणा से बिशप जी की गवाही है, एक हफ्ता पहले ये बच्ची बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, इस बच्ची को सांस लेने में दिक्कत होती थी, वह छाती में बहुत ज्यादा दर्द होता था और ये बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, खाना पीना भी इसे उठाकर खिलाना पड़ता था और बाकी काम भी इन्हें उठाकर ले जाना पड़ता था। फिर ये डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट किया और 2 दिन तक ये हॉस्पिटल में रहे, फिर भी इन्हें कोई आराम नहीं आया। फिर इन्होंने प्रेयर टावर से प्रार्थना करवाई तो कुछ आराम आने लगा। फिर इस वीरवार को ये चमत्कार चर्च में आए, वह बिशप जी से प्रार्थना करवाई और उसके बाद इनके अंदर से दुष्ट आत्मा निकली और उस प्रार्थना के बाद ये बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई है, वह खुद चलने फिरने लगी है और अब ये बच्ची बिल्कुल ठीक है, हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी, मुझ पर खाया पिया भी नहीं जाता था और मैं रात जैसे ही रात होने लगती थी ना तो मेरी सांसें अटकने लगती थी, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी मैं।
तो मेरे को ना दीदी से मैंने बोला कि दीदी मेरे को ना प्रेयर कर दो, मेरे बहुत बीमार हूँ मैं, मुझ पे ना चला भी नहीं जाया करता, मेरे को खाना भी कोई और ही खिलाया करते थे घर फैमिली के। तो फिर दीदी ने बोला ठीक है कि तुम यहाँ पे आ जाना, अभी तो मैं प्रेयर कर देती हूँ और प्रेयर टावर से भी प्रेयर करवा देती हूँ। उसके बाद दीदी ने प्रेयर करी, मैं ठीक हो जाती थी, पर फिर से कंटिन्यू वही प्रॉब्लम चालू थी। तो फिर दीदी ने बोला यहाँ आ जाओ एक बार चमत्कारी चर्च में, प्रेयर करवा दूँगी मैं तो फिर फ़र्क लग जाएगा। तो फिर मैं यहाँ आई, यहाँ भी मेरे को पकड़ के ही लाए थे, मुझ पर चला नहीं जाया करता। तो फिर उसके बाद प्रेयर करी पास्टर जी ने और मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई और मैं चंगा हो गई। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते इस गवाही के लिए। इनके अंदर दुष्ट आत्मा थी जो इनको दिन प्रतिदिन कमजोर कर रही थी, जो इनको खाया पिया भी नहीं जाता था और चल फिर भी नहीं सकते थे, लेकिन ये परमेश्वर की हजूरी में आए, परमेश्वर के दास ने इनके लिए प्रार्थना की और इनके अंदर वो दुष्ट आत्मा इनकी बॉडी को इनके शरीर को छोड़ के निकल के चली गई और अब ये बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। आपके सामने खड़ी है जो इसको खाया पिलाया भी ये खुद नहीं खा सकती थी, उठा के देना पड़ता था और कोई काम करने के लिए ले जाते थे, कुछ होता था तो इन्हें साथ पकड़ के लेके जाते थे, लेकिन देखो इतनी दूर हरियाणा से आए हैं, बिल्कुल इन्होंने सफर किया और आपके सामने परमेश्वर के भवन में खड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। सपना हरियाणा से, बिशप जिनकी गवाही है 10-12 सालों से इस बहन को गुप्त रोग था और वो रोग ठीक नहीं हो रहा था, इन्होंने दवाइयां भी ली फिर भी आराम नहीं आ रहा था। फिर इस वीरवार को ये बहन पहली बार चमत्कार चर्च में आए, वह बिशप जी से प्रार्थना करवाई और बाद में ये बहन उस गुप्त रोग से आजाद है और साथ में इस बहन को अन्य भाषा का वरदान भी मिल गया, पवित्र आत्मा इन्हें पहली बार मिला है। हालेलुया, हालेलुया। इनके ऊपर पहली बार पवित्र आत्मा उतरा। हालेलुया, हालेलुया। सभी कलेशों का वो जेम्स की और जेम्स के पापा जी, मैं यहाँ पे बृहस्पतिवार को पहली बार चर्च में आई और मेरे दी है सोनू, उन्होंने मेरे बार हमको यहाँ बुलाया और मैं 10-12 साल से एक गुप्त रोग से परेशान थे और है ना उस रोग से जैसे ही पापा जी ने हले एंड प्रेयर की तो मैं उस बीमारी से चंगाई पाई। इसके लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे अन्य भाषा का वरदान मिला, प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, शहल्लल्ला नशल्ला माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आपको 10-12 से गुप्त रोग था, 10-12 सालों से, तो आप पहली बार चमत्कार चर्च में आए और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड की और जो 10-12 साल का रोग था वो रोग खत्म हो गया है, अब आप उस रोग से आजाद हैं और आपको पहली बार ही पवित्र आत्मा मिला। देखो ये कितनी बड़ी गवाही है, इस बहन को 10-12 से गुप्त रोग था लेकिन इन्होंने दवाइयां ली कोई आराम नहीं आया, लेकिन इस वीरवार को ये परमेश्वर के भवन में पहली बार आए और परमेश्वर के अभिषेकी दास ने इनके ऊपर ले हैंड किया, वो 12 सालों का जो रोग था गुप्त रोग था इनकी बॉडी को छोड़ के चला गया और इनको उसी दिन ही पवित्र आत्मा व अन्य भाषा का वरदान मिला है। हालेलुया, हालेलुया। जसवीर सिंह हनुमानगढ़ से, बिशप जिनकी गवाही है 4 सालों से इस भाई को दिल में दिक्कत थी, इनके दिल में दर्द होता था, वह जब दर्द होता था तो एक बाजू में भी दर्द होता था, इन्होंने दवाइयां भी ली पर दवाइयों से कोई आराम नहीं आया। फिर ये भाई इस महीने को 4 तारीख को चमत्कार चर्च में आए, वह बिशप जी से ले हैंड प्रार्थना करवाई, उसके बाद ये भाई बिल्कुल ठीक है, अब इनके जो दर्द होता था वो बिल्कुल ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। सारी कलीसिया नु जय मसीह दी। मेरे हार्ट के 4 साल हो गए थे, मान लो दर्द होता सी ना, मेरे तो बैठी दा सी ना, कोई खाया पिया जाता सीगा। पहली बार मैं इस चर्च च आया चमत्कार चर्च के विच, तो मेरे प्रार्थना करवाई है तो लैंड प्रार्थना करवाते सार ही मेरे उस दर्द खत्म है, बाजू रुक जाता सीगा,
बाजू रुक जाता सी, दर्द हुंदा सी, चल के इन्नी दूर आया मेरे तो दम पट्टे जाता, दर्द बहुत ज्यादा सी, हुण मैं भज के भी आवां तां वी मैनूं कोई दिक्कत नहीं गी। हालेलुया। आप चार साल से ये आपको दिक्कत थी जो दिल की रोग था? जी रोग था, लेकिन मैंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, हनुमानगढ़ के अंदर जितने जितने डॉक्टर है और सभी बोलते थे कि इसका ऑपरेशन होएगा। अच्छा ऑपरेशन होगा, लेकिन आप इस वीरवार को पहली बार आए? संडे को। अच्छा संडे को पहली बार आए और परमेश्वर के दास ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की और उसके बाद आप बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल चंगा हूँ। आपकी ये बाजू भी अब बिल्कुल ठीक है? यहाँ बहुत ज्यादा दर्द था। दर्द अब नहीं दर्द होता है? बिल्कुल ही नहीं है। देखो ये भाई बोल रहे हैं कि आप मुझसे कहें यहाँ दौड़ के जाना है, तो ये दौड़ के चले भी जाएंगे और दौड़ के आ भी जाएंगे। परमेश्वर ने कितनी बड़ा चमत्कार किया इनके जीवनों में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। दुर्गा रिद्धि सिद्धि से बिशप जिनकी गवाही है, बुधवार को रात को इनके पेट में पूरी रात दर्द होता रहा, फिर सुबह इनकी दीदी ने प्रार्थना वाला पानी पिलाया, वह रुमाल से प्रार्थना की, फिर उसके बाद इन्होंने दो बार उल्टी हुई, उसके बाद इन्हें आराम मिला, अब वह यह बिल्कुल ठीक है। हालेलुया हालेलुया। और इनकी दूसरी गवाही है, इनका 3 साल का बेटा है, उसको अचानक से खूनी दस्त लग गए थे, यह फिर इन्हें उसको प्रार्थना वाला पानी पिलाया, उसके बाद अब इनका लड़का बिल्कुल ठीक है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हमारे बीच में हालेलुया हालेलुया। पापा जी को जय मसीह की, सबको जय मसीह की। बुधवार की रात को इतना दर्द होने लगा कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था दम, तो मेरी दीदी 4 बजे में उठाई, दीदी लग रहा है मेरा प्राण निकल जाएगा, तो कह रही प्रभु जी को पुकार। मैं कि दीदी मैं पुकार रही हूँ बहुत, दीदी तू मेरे को कुछ कर, मेरा तो जैसे लग रहा है जान निकल जाए। तो दीदी मेरी मौका से वही पहुँची थी, तो वो मेरे को प्रार्थना वाला पानी और तेल लगाई, फिर यहाँ पे आई मैं। फिर उसके बाद एक दीदी मेरे को और भी एक बार तेल लगाई, तो मेरे को आराम मिल गया। फिर मैं 18 साउंड कराई तो वो भी नॉर्मल आया है। और इनकी तीसरी गवाही, जिस दिन इनकी तबीयत खराब थी उस दिन इनके पति इनके लिए रो रो के प्रार्थना कर रहे थे, फिर प्रभु ने इनको दर्शन दिए कि प्रभु सफेद कपड़ों में इनके पास खड़े हैं, उसके बाद ये बहन बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। फिर मेरा 3 साल का लड़का, उसको भी खून की एकदम लेटरिन आने लगी रात को, तो मैं कही कहाँ जाऊँ रात को, फिर उसके बाद प्रार्थना वाला पानी था पिलाई प्रार्थना करके, तो कह वो खुद ही कह रहा है मेरे को प्रभु जी मम्मी टेंशन मत ले मेरे को ठीक कर देंगे, तो वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद मेरे आदमी रो रो के प्रार्थना करे, जैसी मेरी हालत थी जैसे लग रहा था कि सही में नहीं, लेकिन तो वो रो रो के प्रार्थना करे तो प्रभु जी मेरे साथ उनको खड़े दर्शन दिए सफेद वस्त्र में। धन्यवाद करती हूँ पापा जी का और सब प्रभु जी का। बबीता पुरानी वादी, सबको जय मसीह की। कल मैं पास्टर के वहाँ पर गई थी तो मेरे को पवित्र आत्मा अरण भाषा मिली। धन्यवाद करती हूँ कल उधर गए थे नहीं? कल चमत्कार चर्च के अंदर चैंपियन थी तो आप प्रार्थना में आए थे और प्रार्थना करते करते क्या हुआ? पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मिली और अन्य भाषा मिली। कब से आ रहे हो चर्च में? 4-5 महीने से।
परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कल एकदम से ये चैन प्रेयर में आए थे और पवित्र आत्मा मिला, अन्य भाषा का वरदान मिला, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं।